In short, I told them, what is so special about today, tonight is the time when this is Tuesday. On Tuesday, Shri Ganesha was born. So they celebrate every fourth day of the moon as the Shri Ganesha's birthday, because it was born on the fourth. But when this fourth falls on a Tuesday, then they think it's a tremendous yoga, because on Tuesday he was born. On Tuesday, this fourth of the day of the month has come. So they just try to worship it as a something special day. Aaj ka yog bahut zabardast. और इस विशेष योग के दिन, जिसे कि अंगारकी कहते हैं, अंगारकी चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, हर चतुर्थी को श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है, साल में एक आध बार, कभी दो बार, कभी तीन बार, जिस मंगलवार को अगर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि हम लोग मंगलवार के रोज गणपति पुणे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है। अब जो आज की अंगारी का जो है, अंगारकी जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीजें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है, कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीजें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्वगति सिर्फ एक इस चीज को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं, एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूं कि मैं इनमें जागृत हो जाऊं, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है ये सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है।